हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो पिछले प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो दोस्तों, अगर आपको देखिए पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपना रिविजन कर सकें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कपास। तो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो सर्वाधिक कपास का उत्पादन करते थे। इसके अलावा वे गेहूं, चावल और कई प्रकार की सब्जी और फलों की खेती भी करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे कपास का, याद रखना है। और देखिए, सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था, इसलिए दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रावी नदी के किनारे। तो देखिए, हड़प्पा नामक स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात में। तो देखिए, गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगाबा नदी के किनारे लोथल स्थित है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा व्यापार केंद्र था। देखिए, इस लोथल से मानव निर्मित बंदरगाह और गोदीवाड़ा आदि प्राप्त हुए थे। देखिए, इसकी खुदाई यानी कि इसकी खोज किसने की थी? तो आर राव ने, यानी कि रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी 1954 में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया था? तो देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, मोहन जोदड़ो में। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार पाए गए थे, बड़े स्नानागार पाए गए थे, तो मोहन जोदड़ो में पाए गए थे। देखिए, मोहन जोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का पुरातात्विक स्थल है, जिसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। देखिए, मोहन जोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, याद रखना है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहन जोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्ण। तो देखिए, पर्ण यह एक चांदी का सिक्का था, जो कि मौर्य साम्राज्य में सबसे प्रचलित मुद्रा थी। और देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। देखिए, मौर्य साम्राज्य सबसे प्राचीनतम शक्तिशाली राजवंश था, जिसकी स्थापना 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से की थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जैन धर्म से। तो देखिए, जीवक चिंतामणि यह एक तमिल महाकाव्य है, जो कि जैन मुनि त्रुतक देवर द्वारा रचित है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। और देखिए, इस ग्रंथ को, यानी कि जीवक चिंतामणि ग्रंथ को, तमिल साहित्य के 5 प्रसिद्ध ग्रंथों में गिना जाता है, तो इसलिए इसे तमिल का गौरव ग्रंथ कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राज वैध थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चरक। तो देखिए, चरक कनिष्क के दरबार में राज वैध थे। देखिए, चरक ने ही चरक संहिता की रचना की थी। देखिए, इनके अलावा कनिष्क के दरबार में नागार्जुन भी थे, जो कि इनकी राज्यसभा में निवास करते थे। नागार्जुन ने ही शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। इनके अलावा अश्वघोष भी इनके दरबार में विद्वान थे, जो कि कनिष्क के राजकवि थे। देखिए, अश्वघोष ने कई महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं। इनकी एक रचना कई बार पूछी जाती है, जिसका नाम है बुद्ध चरित, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुप्त काल में। तो देखिए, सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के यानी कि सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में जारी किए गए थे। और देखिए, भारत के किसी राजा द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का कुषाण वंश के राजा कनिष्क द्वारा जारी किया गया था, याद रखना है। और देखिए, जो गुप्त काल है, इसकी स्थापना 275 ईस्वी में श्री गुप्त ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गुप्तकालीन राजा ने कविराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त ने। देखिए, समुद्रगुप्त गुप्तकाल का चौथा शासक था, जिसने कि कविराज की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा समुद्रगुप्त को B.S. स्मिथ ने भारत के नेपोलियन की संज्ञा भी दी थी, तो आपको याद रखना है कि कविराज की उपाधि धारण किसने की थी? समुद्रगुप्त ने। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? तो देखिए सर्वप्रथम बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी, तो ये भी गुप्त काल में आरंभ हुई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुप्त काल में, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्षवर्धन के। तो देखिए हर्षवर्धन पुष्यभूति राजवंश का शासक था, जिसके दरबार में राज दरबारी कवि कौन थे, तो बाणभट्ट थे, याद रखना है। और देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन के जीवन चरित्र पर आधारित हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाणभट्ट। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में राज दरबारी कवि थे, तो इन्होंने ही यानी कि बाणभट्ट ने ही हर्षवर्धन के जीवन चरित्र पर एक महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा, जिसका नाम है हर्ष चरित्र, याद रखना है। और देखिए इनके अलावा बाणभट्ट ने एक और प्रसिद्ध उपन्यास लिखा था, जिसका नाम है कादम्बरी। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, तो आपको दोनों याद रखने हैं, हर्ष चरित्र और कादम्बरी के लेखक कौन है, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। तो देखिए जो सिख धर्म था इसमें 10 गुरु हुए हैं, जिसके प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, और अंतिम और 10वें गुरु थे जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तूतीय हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अमीर खुसरो। तो देखिए अमीर खुसरो को तूतीय हिंद यानी कि हिंद का तोता कहा जाता है। देखिए इन्होंने करीब 7 सुल्तानों यानी कि 7 राजाओं का शासन देखा था, और इन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजराज चोल प्रथम ने। तो देखिए बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जिसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजराज चोल प्रथम ने कराया था। देखिए इस मंदिर को 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, और बृहदेश्वर मंदिर को ही राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महमूद गजनी यानी कि महमूद गजनबी। तो देखिए अलबरूनी भारत और श्रीलंका की यात्रा पर 1017 से 20 ईस्वी के मध्य महमूद गजनबी के साथ आया था, याद रखना है। और देखिए अलबरूनी को ही भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। देखिए अलबरूनी की कई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, लेकिन इसकी एक रचना कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, जिसका नाम है किताबुल हिंद, यानी कि इसे तहकीक के हिंद भी कहा जाता है। तो याद रखना है कि तहकीक के हिंद किसकी रचना है, अलबरूनी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महमूद बिन कासिम यानी कि मोहम्मद बिन कासिम। तो देखिए मोहम्मद बिन कासिम भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। देखिए यह अरब निवासी था, जिसने मात्र 17 वर्ष की उम्र में 711 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था, और 712 ईस्वी में सिंध को जीत लिया था। तो आपको याद रखना है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। तो देखिए जो मुगल वंश था इसकी स्थापना यानी कि इसकी नींव पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद की गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, तो इसमें किसने किसको पराजित किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो देखिए तराइन के 2 लगातार महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। पहला युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, लेकिन दूसरे युद्ध में जो कि 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, तो इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो आपको दोनों याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्रियों को। तो देखिए शिवाजी के प्रशासन में यानी कि मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्रियों को पेशवा कहा जाता था। देखिए ये पेशवा राजा के सलाहकार परिषद अष्टप्रधान के सबसे प्रमुख होते थे, राजा के बाद इन्हीं का स्थान आता था। तो आपको याद रखना है कि मराठा साम्राज्य में पेशवा किसे कहा जाता था, प्रधानमंत्रियों को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।